कमेटी की बैठक हुई। आगामी दुर्गा पूजा व विजयदशमी को लेकर मंगलवार को बौंडी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम मैसी एसएन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। एसडीएम ने कहा कि किसी प्रकार के अफवाह होने पर तत्काल संबंधित पुलिस अधिकारी को जानकारी दें। सभी त्यौहार आपसी भाईचारे के प्रतीक होते हैं। सीओ शंकर प्रसाद ने ग्रामीणों ने कहा कि जुलूस के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि किसी के द्वारा कुछ अराजकता की जा रही है तो खुद निपटने के बजाय स्थानीय पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दें। बैठक में एसओ ब्रह्मानंद सिंह, एसआई विपिन सिंह, आईडी यादव, ग्राम संजीवन साकेत भूषण तिवारी, ग्राम प्रधान जैतापुर इश्याद अंसारी, भदवानी मैन कुमार सिंह, नौशारा काली प्रसाद त्रिवेदी, बुजौली अजय सिंह, बौंडी सरबजीत सिंह, गोलागंज ओंकार सिंह, रामगढ़ी मुनीर अहमद, गोड़वा अमरेश सिंह, धर्मापुर सर्वेश विक्रम सिंह, संजय गुप्ता, रशीद अहमद लाल मोहम्मद, एहसान अच्छा सिंह, केके सिंह, प्रमोद अवस्थी, हबीब इशारत समेत ये लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट पंकज सिंह, बहराइच यूपी। तीन जगह है, तीन जगह पे अलावा और कहीं है? कहाँ कहाँ पे है रामलीला? कितना दिन पहले ना आप लोगों का? 10 दिन। पांच लोग आ रहे हैं रामलीला करने वाले, यही क्या है? पांच हमारे यहाँ घर बाहर के हैं, हमारे यहाँ बाहर के हैं, यही वृंदावन के हैं, यही होता है जगह, ये यही मानस बटन भी। और कहाँ मेला करैया और जैतापुर कस्बे में रामलीला मैदान होगा ना? नहीं मैदान नहीं है, जैतापुर में मैदान नहीं है, बाजार में बाजार है, वही जगह है, चौक है वही। हाँ बहुत पहले सोता जी समय सोता ही रामलीला कभी चालू होती है? जी सर हमारे यहाँ तो 8 बजे से शुरुआत होती है, 8 से 12 तक की नहीं, 1 बजे के अंदर।